देखो ये लोग फिर से बैठ गए, क्या यार तुम क्या करते हो? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी फिलहाल 7 बजे हुए, तो 6:30 का मैं उठाऊँ और 5:30 को मम्मी और दादी उठ गए थे और उन लोगों ने पहले नहा लिया और फिर अभी हम लोग नहा के फ्रेश हुए तो पहले दर्शन कर लेते, फिर थोड़ी देर में निकलने वाले, फिर कोदल धाम जाने वाले हैं। वहाँ से इधर से खाली 7 किलोमीटर है, फिर वहाँ से फटाफट दर्शन करके चोटीला निकल जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे डाकू। तो मंदिर जाने के बाद हम लोग सारा सामान पैक कर इधर तो कोई दिख नहीं रहा है, अंदर जाके ही देखना पड़ेगा कि कुछ पब्लिक दिख नहीं रहा है। आज देखते हैं कि अंदर पब्लिक है या नहीं है। तो अभी मेरे को पता ही नहीं चला, फ्लो में बहुत ही आगे चला गया मैं। अभी चलते अंदर, तो कल की तरह आज भी अंदर जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं फिर से वीडियो बंद कर दूंगा अंदर जाते ही, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। तो फिलहाल अभी दर्शन हो चुके हैं, काफी जल्दी हो चुके हैं क्योंकि अंदर पब्लिक ही नहीं था। तो अभी फिलहाल चलते हैं कॉफी पीने के लिए। इधर से मंदिर जाने का रास्ता है, इधर से आने का है, इधर से जाते हैं और पूरा मंदिर इधर से घूम के फिर रिटर्न आते हैं। फिर से ये पूरा मार्केट एरिया है, तो अभी ये लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। क्या लिया? तो अभी फिलहाल आए ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे इधर से निकलेंगे। गोटा वड़ा फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं कोदल धाम। फिलहाल चाबी दे दी है, सामान अंदर ही रखने से। अगर आप गाड़ी देख ही सकते हो, अंदर बहुत ही पब्लिक है। मतलब भाई क्या ही मंदिर है, तो सामने क्या मंदिर। भाई मंदिर तो इतना मस्त लग रहा है कि भाई ऐसा लगता है कि साउथ में आए। ये लोग अंदर से आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ बीच में से, क्योंकि बीच में से जो व्यू आ रहा है ना बहुत ही मस्त है। इतना बढ़िया था कि दो साइड गार्डनिंग थी और बीच में से चल के जाना है पूरा मंदिर में, तो इतना अच्छा बढ़िया मंदिर था, बहुत ही बड़ी जगह थी, तो काफ़ी मज़ा आया। अभी जा रहे हैं सीधा हम लोग चोटीला, तो चलो फटाफट गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकलते चोटीला। मजा आने वाला है, मंदिर में जाने के लिए पूरा चलना पड़ेगा। पार्किंग में तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो फिलहाल गाड़ी पार्किंग में रख दी है, तो अभी हम ऊपर जाते हैं और माता जी के दर्शन कर लेते हैं। इधर से ऊपर तक जाना है, तो फिलहाल दादी तो इधर बैठ जाएंगे और हम जाने वाले ऊपर, क्योंकि उनसे चला नहीं जाता और हम ऊपर चारों चल के जाएंगे। तो फिलहाल चलना स्टार्ट कर दिया। My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die. Tripping cause I just chose to believe that somebody gonna come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down.
इधर से देख ही सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। हमने गाड़ी पार्क की वहाँ पर और पूरा उधर से मतलब जहाँ से हम आए वहाँ से पूरा चल के आए। देखो ये लोग फिर से बैठ गए, क्या यार तुम क्या करते हो। तो काफी मजा आ रहा है ऊपर चल के जाने में। देखो इधर से व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। जूते चंपल हो जो उतार देने का। तो चढ़ते चढ़ते आधा घंटा हुआ और अभी फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। देख लो इन लोगों का सेल्फी जोन चालू हो गया। चढ़ते समय टाइम बहुत लगता है, उतरते समय तो फटाफट उतर जाते हैं। मतलब चढ़ते समय आधा घंटा लगा था, उतरते समय तो 10-15 मिनट में उतर जाएंगे। मिशन कंप्लीट। अभी फाइनली पार्किंग में जाएंगे और उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। तो बहुत गर्मी जैसा लग रहा था, तो फिलहाल अभी रस पी लेते हैं। तो फाइनली हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, तो गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद निकलते हैं लंच करने के लिए। तो फिलहाल अभी लंच करने के लिए हमने इनफाइनाइट होटल पे स्टे किया है, तो जल्दी से अंदर जाते हैं और लंच कर देते हैं। होटल तो बहुत ही बढ़िया है। तो फिलहाल बटर मिल्क आ चुका, चीज पाव भाजी मंगा, थोड़ी पाव भाजी आ चुकी है। तो फिलहाल लंच हो गया, तो अभी निकलते डाकोर के लिए। 4 घंटा 10 मिनट का रास्ता है, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। वैसे तो उसमें दिखा रहा है 40 को पहुंच जाएंगे और ट्रैफिक होगा तो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। 7:30 बजे तक वहां पर दर्शन खुले रहते हैं, तो अभी जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना बढ़िया, दर्शन हो जाएंगे। बाकी वहां पर तो रुकना ही है, तो कल सुबह भी होंगे दर्शन। तो अभी फिलहाल एक स्टॉप लिया, तो चाय कॉफी पीनी है, उसके लिए एक स्टॉप रखा है। फिलहाल चाय और कॉफी आ चुकी है, तो फिलहाल चाय नाश्ता तो हो चुका है। चलो अभी डायरेक्ट डाकोरी चलते हैं। But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and out, coming to me crying saying you miss having me around. तो अभी फिलहाल दिखा रहा है कि 50 किलोमीटर बाकी है, तो 1 घंटा लगेगा पहुंचने के लिए। फाइनली डाकोर पहुंच चुके, तो 7 बज गए, तो 7:30 बजे दर्शन बंद हो जाते, फटाफट दर्शन करके आते। तो हम इधर ही डायरेक्ट गाड़ी पार्क कर दी।
तो चलो मंदिर में जाके आते और उसके बाद फिर रूम ले लेते इधर। अंदर एंट्री लेते क्योंकि 7:15 हो चुकी है। फिलहाल मंदिर में तो आ चुके हैं पर अभी दर्शन नहीं खुले, तो जैसे ही दर्शन खुलते वैसे ही दर्शन कर लेंगे। फाइनली अभी दर्शन खुल चुके हैं और पब्लिक देख ही सकते हो, बहुत सारी पब्लिक है इधर। फाइनली दर्शन बंद हो चुके हैं तो अभी जा रहे हैं होटल पे। तो फाइनली चाबी ले लिया, ये अपना रूम। फिलहाल एसी भी सेटअप हो चुका है, तो फाइनली सामान भी आ गया और दादा को वीडियो कॉल कर देते। वो लोग गए अमृतसर। केम छो फिलहाल हम आ चुके हैं डिनर करने के लिए होटल मोटी में, तो चलो फटाफट कर लेते डिनर। मसाला पापड़ आ चुके हैं, जी रोटी आ चुकी है, तो फटाफट खा लेते इसको। डिनर हो गया तो चलो चलते हैं अभी धर्मशाला पे। लोग आ चुके हैं धर्मशाला पर, अभी बाहर कोको पीने जा रहे। पानी की बोतल लाए थे वो खत्म हो गई, अभी इधर से ले लिए। सुबह तो मतलब बाहर से ही ले लेंगे, अभी ले लिए रात के लिए। तो फिलहाल अभी 10 बज चुके हैं, अभी हम सोने के लिए जा रहे हैं। कल सुबह जल्दी उठना है तो जी के में दर्शन करने जाना है। तो आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।